करने वाले दो शब्द आप जरा बताइए। हम भिवंडी तालुका रिक्शा चालक मालक महासंघ के पदाधिकारी हैं। यहाँ पे हमारे महासंघ का मीटिंग हुआ, उसमें चर्चा हुई कि ये जो NRC और CAB जो केंद्र सरकार ने दमनकारी संविधान विरोधी जो कानून लाया है, इसके विरोध में पूरे देश में हंगामा हो रहा है और ये एक धार्मिक तौर से बांटने वाला कानून है। इसके विरोध में हमारे महासंघ ने तय किया है कि हम लोग सोमवार को पूरे भिवंडी की रिक्शा हम लोग बंद करेंगे और हम पूरे भिवंडी के रिक्शा वालों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग तहे दिल से इस रिक्शा महासंघ ने जो बंद रखा है, इस बंद में शामिल होकर अपने अपने रिक्शा सोमवार को पीर के दिन सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक बंद कीजिए और 3 बजे जो जकात नाके पे रास्ता रोको आंदोलन होने वाला है उसमें आप लोग बराबर 3 बजे जकात नाके पे आके उसमें सहयोग कीजिए। उसके साथ साथ भिवंडी में जो सामाजिक संस्था है, राजकीय पार्टी है, उनसे भी हम लोग गुजारिश करते हैं कि ये जो रिक्शा वालों ने इस दमनकारी कानून के खिलाफ जो बंद का आह्वान किया है और आंदोलन का आह्वान किया है, इसमें आप लोग साथ दे के इस दमनकारी कानून को रोकने के लिए हमारी मदद करिए करिए, ये सब संदेश देने के लिए आज हमने ये मीटिंग रखा। आपका नाम और आपका संगठन का नाम और क्या करना चाहते हैं इस सोमवार? मेरा नाम खालिद इरफान खान है, मैं भिवंडी शहर भिवंडी तालुका रिक्शा चालक मालक महासंघ का अध्यक्ष हूँ और हमारा ये है, बोलना ये है कि जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसको तोड़ने का जब भी कोई काम होएगा तो हम लोग रिक्शा वाले रोड पे उतरेंगे। इसके लिए जो भी होएगा, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, ये बिगड़ेगा, उसका जवाबदार पुलिस रहेगी। संविधान को हम बचाने के लिए अपनी जान दे देंगे, चाहे वो हिंदू का मामला हो या मुसलमान का या सिख का या ईसाई का, हम लोग रोड पे हमेशा उतरते हैं, उतरते रहेंगे। इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। रिक्शा यूनियन संगठन का नाम बताइए और सोमवार को जो आप डिसीजन ले रहे हो क्या करने वाले हो? मैं असलम गावाड़ी भिवंडी तालुका रिक्शा चालक मालक महासंघ का कार्य अध्यक्ष। मैं सभी भिवंडी वासियों से, तमाम रिक्शा वालों से और यहाँ के जितने भी NGO कमेटी, मोहल्ला कमेटी, जितने भी लोगों से, इनसे यही गुजारिश करूँगा कि हम लोग ने जो साथ अपने पीर के दिन बंद का आंदोलन, बंद का ये ऐलान किया रिक्शा बंद का, उसमें हमारा साथ दे और ये हुकूमत को बता दे कि उनकी तानाशाही नहीं चलेगी। आज जहाँ पूरे मारा, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ देखो आंदोलन हो रहा है, आखिर मेरे बात समझ में नहीं आती कि ये हुकूमत अपनी बातों को जीत मनवा कर क्यों है अपना लोगों पर नए नए कानून लागू कर रही है। मेरा इतना ही बोलना है कि जितने भी लोग हैं सब इस बंद में शामिल हो और